हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल दिस इज़ सुरुचि रोचानी एंड टुडे आई विल बी टीचिंग यू अ टॉपिक फ्रॉम ग्रामर व्हिच इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा उसका नेम सजेस्ट करता है वैसा ही उसका मीनिंग है तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अब वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स नंबर एंड पर्सन इन अदर वर्ड्स द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस एग्रीज विद नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट जिस पर्सन या जिस नंबर में है वो काउंटेबल है अनकाउंटेबल है सिंगुलर है प्लूरल है उसके हिसाब से हम उसका वर्ब लगाते हैं यानी कि वर्ब हमारा सब्जेक्ट से एग्री करना चाहिए सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगनी चाहिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगनी चाहिए तो इस तरीके से हमारा वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री हो उसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं तो अब जो हम जनरल रूल्स होते हैं वो हम जानते ही हैं दैट सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब बट अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मैनी अदर केसेस जहाँ पर हमें सब्जेक्ट सिंगुलर लगता है बट वर्ब प्लूरल लगती है या सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर लगती है तो इसमें हम वही बहुत सारे केसेस देखेंगे आगे तो देखते हैं हमारे जितने भी रूल्स हैं सब्जेक्ट और वर्ब के पर्सन और नंबर को लेकर तो पहला है द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज दैट सिंगुलर सब्जेक्ट्स नीड सिंगुलर वर्ब्स प्लूरल सब्जेक्ट्स नीड प्लूरल वर्ब्स जस्ट नाउ एज वी हैव डिस्कस्ड कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट वी फॉलो एग्जाम्पल अ गर्ल इज सिंगिंग अ गर्ल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ वर्ब लगी है इज सिंगुलर वर्ब गर्ल्स आर सिंगिंग यहाँ पे गर्ल्स प्लूरल है इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब लगी है आर नेक्स्ट वेन वी यूज़ एन अनकाउंटेबल नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब वी यूज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है तो हमारी वर्ब सिंगुलर लगेगी एग्जाम्पल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे ऑनेस्टी सब्जेक्ट है और ऑनेस्टी एक अनकाउंटेबल नाउन है हम ऑनेस्टी को गिन नहीं सकते इसलिए हमने आगे वर्ब सिंगुलर लगाई है इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दिस सब्जेक्ट विच इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन इज टेकिंग अ सिंगुलर वर्ब नेक्स्ट व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर कुछ कुछ सेंटेंसेस में एक वर्ड आता है जो कि है वन ऑफ और उसके बाद नाउन होती है प्लूरल लेकिन हमें जो वर्ब लगाना होता है वो लगाना होता है सिंगुलर एग्जाम्पल वन ऑफ़ द गर्ल्स वॉज सिंगिंग यहाँ पे वन ऑफ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट है और गर्ल्स यानी कि एक प्लूरल नाउन है यहाँ पे, तो वन ऑफ से सेंटेंस हो और आगे प्लूरल नाउन हो तो वर्ब हमें लगानी है सिंगुलर इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है ऐसा नहीं कि गर्ल्स है तो हम वर लगा दें नहीं क्योंकि हम एक की बात कर रहे हैं वन ऑफ द गर्ल्स बहुत सारी गर्ल्स में से एक गर्ल गा रही थी इसलिए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे नेक्स्ट द वर्ब हैज टू एग्री विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉलोज द इंट्रोडक्ट्री देर इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन देयर विल बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब इफ द रियल सब्जेक्ट इज प्लूरल देन देयर विल बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसकी स्टार्टिंग जिसकी बिगनिंग देयर वर्ड से हो रही है तो वो डिपेंड करता है आगे उसके सब्जेक्ट पे। अगर कोई वर्ड देयर से इंट्रोड्यूस्ड है और आगे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी एग्जाम्पल देयर इज़ नो चेयर इन द रूम तो ये सेंटेंस हमारा देर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे चेयर है जो कि सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारा इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है इज देर इज़ नो चेयर इन द रूम नेक्स्ट एग्जाम्पल देर आर नो चेयर्स इन द रूम ये भी सेंटेंस देर से इंट्रोड्यूस्ड है लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है चेयर्स इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किया है आर नेक्स्ट वेन टू और मोर नाउन्स फंक्शन एज सब्जेक्ट अ प्लूरल वर्ब इज़ यूज कभी कभी ऐसा होता है कि एक नहीं दो सब्जेक्ट्स होते हैं दोनों आपस में ज्वाइंट होते हैं तो जब दो या दो से ज़्यादा नाउन्स सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं तब हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं एग्जाम्पल सतीश एंड हिज सिस्टर हैव गॉन टू सी अ मूवी तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे सतीश और उसकी सिस्टर तो ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं और दोनों नाउन सब्जेक्ट्स का फंक्शन कर रहे हैं इसलिए हम वर्ब लगाएंगे प्लूरल तो यहाँ पे हमने हैव हाँ लगाया है हैव हाँ एक प्लूरल वर्ब है नेक्स्ट फॉर डिस्टेंसेस वेट हाइट और अमाउंट्स ऑफ मनी वी यूज अ सिंगुलर वर्ब इवन वेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल डिस्टेंसेस के लिए वेट के लिए हाइट के लिए या अमाउंट ऑफ मनी के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं भले ही सब्जेक्ट प्लूरल क्यों ना हो एग्ज़ाम्पल टेन थाउजेंड रुपीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल सम अब यहाँ पे वन रुपी की बात नहीं हो रही वन रुपी होता तो सिंगुलर होता लेकिन हम यहाँ पे टेन थाउजेंड रुपीज़ की बात कर रहे हैं जो कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया लेकिन फिर भी सिंस इट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी तो हम यहाँ पे जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ करेंगे तो हमने यहाँ पे इज लगाया है आर नहीं लगाया कि टेन थाउजेंड रुपीज आर नॉट अ स्मॉल सम नो वील यूज सिंगुलर वर्ब वेदर इट इट इज़ अमाउंट ऑफ मनी इट इज़ डिस्टेंस वेट और हाइट इन सारी केसेस में हमारा जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर लगेगा हैंस वी हैव यूज इज ओवर हेयर नेक्स्ट द टाइटल ऑफ अ बुक द नेम ऑफ अ हाउस और अ इन प्लूरल टेक्स अ सिंगुलर वर्ब किसी बुक का टाइटल हो किसी हाउस या होटल का नेम हो भले ही वो प्लूरल में क्यों ना हो लेकिन वर्ब सिंगुलर लगती है एग्जाम्पल द अरेबियन नाइट्स हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ अरेबियन नाइट्स में इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं तो ये हमारा अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है जिसके अंदर इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं तो नाइट्स के वजह से ये प्लूरल अपीयर हो रहा है लेकिन ये है सिंगुलर तो इसीलिए इसके साथ हमने वर्ब सिंगुलर लगाई है जो कि है हैज़ कुछ बुक्स के नेम्स या होटल्स के नेम इस टाइप के होते हैं जो सुनने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो एक ही होटल का नेम होता है या एक ही बुक का नेम होता है इसलिए हम उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे नेक्स्ट नाउंस विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग यूजअली टेक अ सिंगुलर वर्ब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं लेकिन इसीलिए उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जैसे मैथमेटिक्स इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट अब हम लोग क्या समझते हैं कि जिन वर्ड्स के एंड में एस लग गया वो वर्ड्स प्लूरल हो गए तो मैथमेटिक्स है एंड में एस लगा हुआ है तो अपीयर होता है जैसे ये प्लूरल है तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दें लेकिन ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है एक सब्जेक्ट का तो ये है सिंगुलर दो इट्स अपीयरिंग टू बी प्लूरल बट इट इज एक्चुअली सिंगुलर दैट्स वाई वी यूज अ सिंगुलर वर्ब तो इसलिए हमने मैथमेटिक्स के बाद इज लगाया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है सम नाउन्स विच अपीयर टू बी सिंगुलर इन फॉर्म टेक अ प्लूरल वर्ब अब ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है जो अभी हमने रूल पढ़ा कि कुछ nouns होते सिंगुलर हैं लेकिन दिखते प्लूरल हैं अब ये वाला ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स Uh, ऐसे होते हैं जो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं इसलिए हम उनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड थ्री टेररिस्ट अब यहाँ पे पुलिस है एंड में एस नहीं लगा हुआ तो इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे ये वर्ब ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है पुलिस लेकिन पुलिस एक ग्रुप ऑफ कॉप्स को कहा जाता है तो इसीलिए ये कोई सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हम इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल लगेगी और इस रीज़न से यहाँ पे हैव हाँ लगा हुआ है नाउ नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन् लाइक ग्रुप क्राउड फ्लॉक रेजिमेंट एक्सेट्रा आर जनरली फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जैसे ग्रुप हो गया क्राउड हो गया फ्लॉक हो गया रेजिमेंट जो भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सब एक सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं अ ग्रुप ऑफ बॉयज वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड ग्रुप है यहाँ पे बॉयज का कलेक्टिव नाउन है तो वर्ब लगी है सिंगुलर यानी कि वॉज क्लास नाउंस सच एज फूड फर्नीचर क्लोथिंग एक्सेट्रा टेक अ सिंगुलर वर्ब जो क्लास नाउन्स होते हैं क्लास यानी कि जो पूरे एक अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है जैसे खाने की बात हो रही है कपड़ों की बात हो रही है फर्नीचर की बात हो रही है एग्जाम्पल दिस फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड अब फर्नीचर में हम लोग ये नहीं बता रहे कि क्या पर्टिकुलर हम नहीं बता रहे चेयर ओल्ड है या सोफा ओल्ड है या क्या ओल्ड है हम फर्नीचर वर्ड यूज़ कर रहे हैं यानी कि हम उन सारी चीज़ों का एक जो कलेक्टिव वर्ड होता है क्लास जो होती है उसको रिप्रजेंट कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं फर्नीचर बहुत ओल्ड है तो ये क्लास नाउन है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ड इज लगाई है यहाँ पर सम नाउन्स विच अपीयर टू बी प्लूरल इन फॉर्म

तो अगर अ पेयर ऑफ लग गया तो हमें आगे सिंगुलर वर्ब लगानी है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है बट वेन दीज नाउन्स आर यूज विदाउट अ पेयर ऑफ दे टेक अ प्लूरल वर्ब लेकिन अगर इस नाउन को हमने अ पेयर ऑफ के बिना लिखा है तब हम प्लुरल वर्ब लगाएंगे एग्जाम्पल हिज शूज़ हैव वॉर्न आउट यहाँ पे शूज के पहले हमने अ पेयर ऑफ यूज़ नहीं किया इसलिए हमने वर्ब प्लूरल लगाई है हैव नेक्स्ट सम नाउंस आर प्रीसीडेड बाय अ लॉट ऑफ अ प्लेंटी ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ एक्सेट्रा डीज नाउंस टेक अ सिंगुलर वर्ब व्हेन दे रेफर टू अमाउंट और क्वांटिटी, बट दे टेक अ प्लूरल वर्ब व्हेन दे रेफर टू नंबर अगर किसी नाउन के पहले अ लॉट ऑफ अ प्लेंटी ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ ऐसा कुछ लगा है और जो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है वो कोई अमाउंट या क्वांटिटी को रेफर कर रहा है तब हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर लेकिन अगर वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब हम वर्ब लगाएंगे प्लूरल एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ पीपल विजिट द एग्ज़िबिशन अब यहाँ पे पीपल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है पीपल को हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स में होते हैं लोग और उसके पहले अ लॉट ऑफ लगा है तो यहाँ पे वर्ब लगेगी प्लूरल तो हमने विजिट लगाई है अगर ये सिंगुलर होता तो हम विजिट्स कर देते इसमें एस और एड हो जाता क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की एस वाली फॉर्म आती है लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके हिसाब से ही वर्ब लगाएंगे तो वो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि विजिट सिंगुलर सब्जेक्ट इज ज्वाइन बाय एज वेल एज़ इन एडिशन टू एक्सेप्ट एसेट्रा विद अनदर नाउन और प्रोनाउन वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब जब दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज या इन एडिशन टू या एक्सेप्ट के थ्रू कनेक्टेड हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है एग्जाम्पल सोहन एज वेल एज हिज ब्रदर हैज़ कम यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं सोहन और एक उसका ब्रदर ये दोनों कनेक्टेड हैं एज वेल एज से इसलिए वर्ब लगी है सिंगुलर जो कि हैज़ अ सिंगुलर वर्ब इज़ यूज विथ सिंगुलर प्रोनाउंस एग्जाम्पल ईच ईदर नीदर एनी वन एक्सेट्रा ये जो प्रोनाउंस हैं ईच ईदर नीदर एनी वन इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज वॉज गिविन अ प्राइज यहाँ पे बॉयज़ भले ही प्लूरल में है लेकिन उससे पहले ईच लगा हुआ है इसलिए हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे जो कि है वॉज वेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉर और और द वर्ब इज़ यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द नाउन नियरेस्ट टू इट अगर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स और या नॉर से कनेक्टेड हैं तो वर्ब एग्री करेगी सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग यानी कि उस पर्सन के अकॉर्डिंग जो उसकी नियरेस्ट है एग्जाम्पल नीदर शी नॉर हर सिस्टर्स विजिट द टेम्पल अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं शी और हर सिस्टर्स ये दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं नॉर से तो हमारी वर्ब लगेगीकेड्ड पर्सन के अकॉर्डिंग जो कि है हर सिस्टर्स और ये सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल इसलिए हमारी वर्ब लगी है प्लूरल विजिट तो इस केस में अगर सेकेंड सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो वर्ब सिंगुलर लगती और सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल लगी है अ कलेक्टिव नाउन सच इज जूरी कमिटी फैमिली एक्सेट्रा टेक अ सिंगुलर वर्ब वेन इट इज कंसिडर्ड वन यूनिट बट वेन दे आर रिकॉर्डेड एज इंडिविजुअल दे टेक अ प्लूरल वर्ब कोई कलेक्टिव नाउन है जैसे जूरी है कमिटी है फैमिली है अगर इन्हें एक यूनिट माना जाता है एक ग्रुप माना जाता है तब इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं लेकिन अगर हमें हम इस कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल्स के तौर पर रेफ़र करते हैं तब हम प्लुरल वर्ब लगाते हैं एग्ज़ाम्पल द जूरी इज़ अबाउट टू गिव इट्स डिसीजन जूरी अपना डिसीजन देने वाली है तो यहाँ पे हम जूरी को एज अ ग्रुप रेफर किया जा रहा है एज अ वन यूनिट रेफर कर रहे हैं इसलिए हमने वर्ब सिंगुलर लगाई है इज द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जूरी अपने ओपिनियन में डिवाइडेड है यानी कि वहाँ पे सेपरेटली इंडिविजुअल्स को हम रेफर कर रहे हैं इसलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाया है आर एंड देन व्हेन सम नाउंस आर रिगार्डेड एज वन यूनिट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब अगर कुछ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमें सेम आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं एक ही मीनिंग शो करते हैं एक ही यूनिट माना जाता है उन्हें तब हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर इज़ अ होलसम फूड अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि चाहे ब्रेड हो या बटर हो ये दोनों मिलाकर आपस में एक साथ एक होलसम फूड प्रिपेयर करते हैं एक होलसम फूड कहलाते हैं ब्रेड और बटर साथ में इसीलिए हमने इनको एक यूनिट माना है कि जब ये दोनों साथ होंगे ब्रेड एंड बटर देन दे फॉर्म अ होलसम फूड इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ की है इज एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू सो मच